हेलो दोस्तों, मैं वत और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीक्रेट स्टूडियोज के एक और नए वीडियो में। जी हां दोस्तों, 2020 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर होगा करोड़ों का धमाका, ले जाएगी सारे अवार्ड। विक्की कौशल का समय आ चुका है। वैसे तो समय उनका तभी आ चुका था जब उन्होंने नीरज घेवान की मसान के साथ अपना डेब्यू किया था। फिर वो अनुराग कश्यप की रमन राघव में दिखे। आलिया भट्ट के साथ मेघना गुलजार की राजी में उन्होंने सबका दिल जीता। और फिर देखे करण जौहर की लव स्टोरीज में। अब विक्की कौशल एक तरफ अनुराग कश्यप की मनमर्जियां की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म तक की शूटिंग की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए विक्की कौशल ने कहा कि ये मेरा अब तक का सबसे डार्क किरदार है। बस तब से फिल्म के बारे में सारे कयास लगाना बंद हो चुके हैं। दरअसल करण जौहर की तख्त मुगल काल में शाहजहां के बाद गद्दी की लड़ाई की कहानी है। एक तरफ शाहजहां का एक समझदार बेटा होता है दारा शिको, और दूसरी तरफ शाहजहां का बेटा औरंगजेब, जिसे इतिहास का सबसे क्रूर शासक बताया गया। दोनों के बीच शाहजहां के तख्त को लेकर घमासान युद्ध छिड़ा था। इसके बाद दर्शक ये कयास लगाने लगे थे कि फिल्म में औरंगजेब कौन होगा और दारा शिको कौन। अब विक्की कौशल ने लगभग हिंट दे ही दिया है कि फिल्म में वो औरंगजेब के किरदार में दिखाई देंगे। अब इतिहास के पन्नों की माने तो औरंगजेब इस तक की लड़ाई में जीतता है और मुगल काल का सबसे क्रूर शासक कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि औरंगजेब इस कहानी का सबसे अहम किरदार होंगे, जो कि फिलहाल की खबरों के हिसाब से विक्की कौशल का है। ऐसे में अगर 2020 में हम दिल दे चुके सनम की तरह दोनों ही लीड एक्टर बेस्ट एक्टर अवार्ड की दावेदारी पर हक जताते हैं, तो ये अवार्ड विक्की कौशल के झटकने की पूरी उम्मीद होगी। फिल्म में विक्की कौशल, रणवीर सिंह के अलावा आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, करीना कपूर और अनिल कपूर दिखाई देंगे। आपको याद दिलाते हैं बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मल्टी स्टारर फिल्में। 1965 में आई वक्त, ये यश चोपड़ा की फिल्म थी, बॉलीवुड के इतिहास में सबसे सफलतम फिल्मों में गिनी जाती है। 1975 में आई शोले, उस दशक की सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी, क्योंकि शोले में 70 के दशक के हर टॉप का सितारा मौजूद था। 1976 में आई यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी मल्टी स्टारर फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। 70 के दशक में आई अमर अकबर एंथनी, ये भी मल्टी स्टारर फिल्म थी और सुपर डुपर हिट भी। 1997 में बनी बॉर्डर, जेपी दत्ता की ये फिल्म मल्टी स्टारर थी। 1971 की भारत पाकिस्तानी जंग पर बनी इस फिल्म में 30 करोड़ की कमाई की थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है फिल्म तक को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।